बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। इसमें रुद्राम रूडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें, बहुजन समाज की राजनीति और बहुजन समाज का नाम लेकर एक और राजनीतिक दल कुछ ही दिनों बाद बहुजन समाज के सामने होगा। अब ये बहुजन समाज को तय करना है कि उसकी राजनीति का मुख्य किरदार कौन होगा। अपना नेता बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज खुद चुनेगा कि वो किसके साथ जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी बड़ी अपडेट आ रही है कि जो भीम आर्मी की तरफ से 15 मार्च को राजनीतिक दल का गठन किया जा रहा है, उस राजनीतिक दल का नाम क्या होगा। खुद चंद्रशेखर आजाद ने आज ट्वीट करके पूछा है कि मैं 15 तारीख को आप सब के सामने एक राजनीतिक दल का गठन करने जा रहा हूं और मैं आप सब से ये सुझाव चाहता हूं कि मैं इस पार्टी का नाम क्या रखूं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर के इस सुझाव के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उनके जो समर्थक है वो अनेक अलग नाम बता रहे हैं। बीएसपी के जो समर्थक है वो भी उन्हें कुछ बातें कह रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर अलग अलग सिचुएशन आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमने जहां तक ये समझने की कोशिश की है और बहुजन जो भीम आर्मी जिस तरीके से पिछले दिनों से काम कर रही है, उससे देखने पे एक चीज साफ नजर आ रही है कि जो भीम आर्मी है वो बहुजन समाज पार्टी का जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड में उतरकर काम किया था, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जिस तरीके से इस नाम को यूज किया, जिस तरीके से लोगों के बीच प्रचारित करने का कोशिश की, ठीक उसी प्रकार भीम आर्मी ये कोशिश कर रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी के आसपास का ही कोई नाम हो। यानी कि जिस तरीके से बीएसपी है तो उसको नाम को टक्कर देने के लिए कोई उसका आसपास नाम होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि कुछ नाम सेलेक्ट करने के बाद जो नाम हमारे सामने आए उनमें से ये चीज है कि बीएसपी की तरफ से जो भीम आर्मी की नई पार्टी बन रही है उसका नाम बहुजन आजाद पार्टी हो सकता है। आपको बता दें कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी और दूसरा नाम बहुजन आजाद पार्टी, वो बीएसपी होगी, ये बीएएपी होगी। यानी कि ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि एक नाम और बताया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी भी इसका किया जा सकता है, ताकि जो है बहुजन समाज पार्टी के आसपास ही इसका नाम हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग भीम आर्मी पार्टी या हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भीम आर्मी पार्टी उनके पार्टी का नाम नहीं होगा। आपको बता दें कि ज्यादातर पूरी कोशिश है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है इनकी तरफ से यही की जा रही है कि लगातार इन तरीके से बहुजन समाज को चुनौती देने या बहुजन समाज पार्टी को चुनौती देने के लिए भीम आर्मी का जो पार्टी होगा उसका नाम है वो बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द होगा या उनके जैसा ही नजर आएगा। आपको बता दें कि जिस दिन नाम लॉन्च हो उस दिन आप ये देख लेना कि इसका नाम जो भीम आर्मी का होगा, जो पार्टी का नाम होगा, वो बीएसपी से काफी हद तक मिलता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे इसमें वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आप चले दिलदा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही आपको बता दें बहुजन समाज की तेज तरीन खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले और चैनल और अन्य खबरें पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bahujanbolega.com पर जाकर भी